बोल शंकर भगवान की, बोल नीलकंठ महादेव की। भोले का जोश खत्म हो गया क्योंकि भोले जो है काफी मेहनत करके आए हैं। तो भोले जी सबसे पहले अपना परिचय दे दो, कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से आए और जल कब उठाया था आपने? हम भोले कहाँ के रहने वाले? भोले ग्रेटर नोएडा है, सुतियाना। अच्छा, गांव कौन सा पड़ता है? गांव सुतियाना, ग्रेटर नोएडा। अच्छा जी, और 17 तारीख को हमने जल उठाया था। 17 तारीख को, 17 को, और 2 अगस्त में अपने 2 अगस्त में रात्रि 12 बजे से मतलब जल चढ़ाएंगे शिवलिंग पर, सुतियाना माँ भगवती मंदिर पर। अच्छा, तो वहाँ पे शिवलिंग है आपका बड़ा? हाँ, शिवलिंग। अच्छा, भोले कितने कितने भोलों की टीम है? 10-12 है। अच्छा, 11 भोले हैं लगभग, और सबका अलग अलग ले लो परिचय, सबके नाम माइक दे दो सबके हाथ में, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आप ही बता दो आपका नाम जी। मेरा नाम बिट्टू भाटिया बोले। और ये बोले इनका नाम? इनका नाम है प्रमोद। प्रमोद और ये बोले? ये कमल भाटी जी। और ये अपने रोहन बोले। और ये अपने वंश बोले। कश्यप नहीं लगा सकते क्योंकि आप भोले के रूप में हो। हाँ, भोले के रूप में, भोले के रूप में है। वैसे आप कश्यप बिरादरी का नाम भी ऊंचा कर रहे हैं क्योंकि इतना जो जल है हम सब भोले ही है। हाँ, वैसे सबसे पहले तो आप भोले हैं, यहाँ पे जाति बिरादरी की तो कोई बात ही नहीं है, सब भोले हैं क्योंकि भोले का स्वरूप है। जिस टाइम आपने जल उठा लिया उस समय आप भोले का स्वरूप हो गए। तो भोले जी इतना जो जल आया है, कितने लीटर जल है टोटल आप जल दिखा दीजिए? इसमें 121 अलग अलग दिखा दीजिए। इसमें 121 है बोले। इसमें 121 लीटर जल है। इसमें 5 लीटर जल है। किसने कितने लीटर है? 5 लीटर जल है। अच्छा, इसमें 5 लीटर है। ये बोले देखो अपने हिसाब से जल उठा रहे। क्या नाम बोलेगा? अंशुल। ये देखो अंशुल बोला है, कितने लीटर उठा लिया? 5 लीटर उठा रखा है। 5 लीटर उठा रखा है। इसके लिए भी बोले लाइक जरूर कर देना। और ये बोले जी, ये राजू बोले का जल है, अपने बोले है। देखो राजू बोले जी है, इसने इन्होंने कितने लीटर उठा? इनका 121 है बोले। 121 लीटर जल है। और ये बोले अपना जल है, ये अपना जल है बोले, ये 101 है। अच्छा, तो सबसे पहले भोले की कावड़ दिखा देता हूँ। ये देखो शंकर भगवान को लेकर चल दिया है। शंकर भगवान तो जा रहे हैं साथ में, और गंगा जल भी मुझे लगता है पूरी हरिद्वार का गंगा जल उठा के लिया। गंगे मैया को भी ले जा रहे हैं और भगवान जी को भी ले, भगवान जी को भी लिया है। हरिद्वार में कुछ नहीं छोड़ा इन भोलों ने, आप देख सकते हैं सारा गंगा जल लिया है। गंगा जल मतलब खाली तो कभी नहीं होगा, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में लिया है। और दोस्तों एक कावड़ दिखा दीजिए आप, पीछे तक चलिए एक बार उधर तक। ये देखे भोले, ये ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ में आए हैं। ट्रॉली है, अपना सिस्टम लगा हुआ बोले। अच्छा, ये खाना पीने का सारा सिस्टम, सारा सिस्टम दे रहे हैं। हम तो खुद बनाते हैं, खुद खाते हैं। देख सकते हैं बोले जी ने जो है, ये देखिए गैस सिलेंडर वगैरह सब चीज, गैस सिलेंडर चूल्हा सब साथ में ले रखा है। किसी पंडाल की जरूरत नहीं है, हम खुद बनाते हैं। बोले एक कमी रहेगी थोड़ी सी जी बोले, आपने बोले बैनर नहीं छपाया। बैनर नहीं छपवाते बोले, हम जाहिर नहीं करते कि हम कितना नहीं। इसमें थोड़ा सा ये पता लग जाता है कि मतलब कावड़ कहाँ से आई है और कहाँ जा रही है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये आइसर ट्रैक्टर के साथ में आए हैं। कौन सा है? 333। और ये देखिए भोलों का गंगा जल है, जो भोलेनाथ की भक्ति दिखा रहे हैं। और भोले जी जैसे इतने सारे भक्तजन हैं, इतने भोले हैं, सब एक ही परिवार के हैं? हाँ, सब एक ही भाई बंधु है सब अपने। अच्छा, सब मोहल्ले पड़ोस के ही है? हाँ, सब अपने एक ही है बोले। तो इसके पीछे क्या मनोकामना है? अच्छा, ये बाइक भी है क्या साथ में? हाँ, ये बाइक भी। ये देखिए भोलों की सुपर बाइक, बहुत ही खतरनाक। बोले पूरे वीआईपी भोले हैं। तो भोले जी इसके पीछे क्या, सब भोले की कृपा है? किसकी क्या मनोकामना, कौन क्या मनोकामना लेकर आया? मनोकामना कुछ नहीं है, बस अपने परिवार ठीक ठाक रहे, यही मनोकामना है बस। अच्छा, हाँ बोले। अच्छा, बाबा की कृपा रहे। देखो भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए आए, और घर में सुख शांति रहे, माँ बाप खुश रहे, यही कृपा है हमारी, यही कृपा है। और क्या कहना चाहोगे जो और भोले जल लेने के लिए आएंगे? बस यही कहना चाहेंगे हम तो, कि सभी भोले अपने ठीक ठाक अपने जल अभिषेक करें अपने शिव मंदिर पे जाके। हाँ हाँ, बस यही कहना चाहेंगे हम तो। तो भोले कितने मतलब कितने किलोमीटर चल लेते हैं डेली? 5-6 किलोमीटर चल पाते हैं डेली। 5-6 किलोमीटर, जैसे एक बार इतना 121 लीटर है ना इसमें। हाँ। ये कितने कदम चल ले रहा है, कितने मतलब कितनी दूरी तय कर लेते हैं? ज्यादा से ज्यादा 70-80 मीटर बस। तो जैसे इतने भारी भारी लीटर जल उठा रखा है सभी ने, तो इसके लिए पहले कोई प्रैक्टिस भी किया? वैसे ही प्रैक्टिस तो 2-3 दिन ही करी थी बस, ज्यादा नहीं कर पाए प्रैक्टिस। तो दोस्तों ये देसी छोरे हैं, देसी भोले हैं, गांव के देसी भोले हैं। इनको वजन से कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक बार जब कंधे पे गंगा जल आ गया तो अपने आप ही चलता रहता है। फिर तो अपने आप ही लेके जाएंगे भोले, क्योंकि भोलेनाथ जो है अपनी भक्ति के साथ में शक्ति प्रदान करते हैं। की जय, बोल बम बम बम, 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 चक्करो वीर बजरंगे। तो आप सभी भक्तों से प्रार्थना है, देख रहे हैं वीडियो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वीडियो इन भोलों के गांव तक और घर घर तक पहुंचनी चाहिए, इतना शेयर करना इस वीडियो को और अपना प्यार बरसाना। और जो भोले ना, जो भोलों ने मनोकामना मांगी है बता तो नहीं रहे, लेकिन पूरी जरूर हो जो भी मन में है आपके। ठीक है भोले, बोल शंकर भगवान की जय।
की कावड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, मतलब जो दूर दूर के भोले हैं वे आ चुके हैं। आइए इन भोलों से बात करते हैं, भोले कहाँ के रहने वाले। सबसे पहले शंकर भगवान की, भोले जी कहाँ के रहने वाले, आपने सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए। भोले मैं मेरठ से। कहाँ के रहने वाले? मेरठ भोले। अच्छा मेरठ के, तो मेरठ का भोला है। भोले कितने लीटर गंगा जल है आपका? भोले वजन तो नपनी पर। अच्छा 90+ है। 90+। तो देख सकते हैं भोलों की पूरी मंडली है, आप देख सकते हैं ये भोले भी जा रहे हैं, ये भोले भी आपके साथ। भोले जी रुक जाइए। अच्छा तो भोले जी सबसे पहले आप ये बता दीजिए ये कितने कलश है? भोले 20 है टोटल। अच्छा 20 कलश है। और भोले अपना नाम क्या बताया आपने? भोले उज्जवल। उज्जवल भोला। और कितने भोले हैं साथ में? भोले देखे भोले भी जा रहे हैं, कितने भोले साथ में हैं? भोले हम ऐसे हैं 10-12। अच्छा 10-12 भोले हैं। तो भोले पहली बार कावड़ लाए, इससे पहले भी ला चुके हैं? भोले इससे पहले भी ला। अच्छा इससे पहले कितने लीटर था? भोले इससे सबसे पहले 51 लीटर लाया था। अच्छा अच्छा। फिर 74 लीटर लाया था। अच्छा 74 लीटर। आप देख सकते हैं भोला बहुत मजबूत शरीर से है। और ये भोले जी आए हैं, जय भोले की, जय शंकर की, जय शंकर की।